दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय मोहन और मोहन की बहन लगातार दामिनी को एक्सपोज करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों दामिनी ने जो कोशिश की थी आखिरकार मारने की, क्योंकि दोस्तों राधा को यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर भी और उस गोदाम में मारने की कोशिश जो की है, आखिरकार उस चीज़ में एक्सपोज होने का समय आ गया है। और यहाँ पर साफ साफ खुले शब्दों में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। और आप लोग जानते ही हैं कि आखिरकार मोहन भी क्वेश्चन इसलिए ही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार दामिनी तुम्हारा कैसा आखिरकार व्यवहार रहा है राधा के प्रति, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन मासूम बनने की जो कोशिश कर रही है दामिनी, वो होने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों दामिनी को जल्दी ही आखिरकार होगी एक ऐसी सज़ा का अनाउंस की जिसके बाद में दामिनी तड़पती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल मोहन कुछ सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाला है, वो भी राधा के खिलाफ, सॉरी दामिनी के खिलाफ, कि उसने राधा पर हमला किया है। और उसके बाद में जेल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा इनको आज नहीं तो कल मिलनी चाहिए, लेकिन इनको आज मिले तो बेहतर होगा। इनके लिए कल का भी कोई ऑप्शन रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि दामिनी हमेशा से ही चालाक रही है और दामिनी की माँ शुरू से ही क्राइम की बहुत बड़ी पार्टनर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये नज़रिया और कहां पर अलग तरीका से होता हुआ नज़र आने वाला है। क्योंकि इस समय मोहन बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरीका से राधा के ऊपर हमला करने वाले को, हमलावर को ज़रूर पकड़ना चाहता है। दोस्तों साथ ही आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो, ये जरूर बताइए गाइज एंड थैंक यू सो मच।